नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में चुनावी त्यौहार शुरू हो चुका है। वोट देने वाले मतदाताओं की उंगली पर बैगनी रंग का अमिट स्याही लगाई जाती है। ऐसा भारत के हर चुनावों में किया जाता है। कई लोगों को हम देखते हैं कि लोग उंगली में लगी स्याही की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इन सबके बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में यह सवाल कौंधता रहता है कि क्या इस स्याही को मिटाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब है नहीं। इस स्याही को साबुन से धोकर मिटाया नहीं जा सकता। यह तभी मिटता है जब हमारे त्वचा के सेल धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं और उतरने लगते हैं। आपको बता दें कि उंगली पर लगी स्याही इस बात की प्रतीक होती है कि सामने वाले ने वोट किया है या नहीं। इस स्याही का इस्तेमाल सबसे पहले 1962 में किया गया था। आइए जानते हैं यह स्याही किस चीज से और कैसे बनती है। इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल को 72 घंटे तक त्वचा से नहीं मिटाया जा सकता। इस स्याही को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और जल्दी मिटता नहीं है। जब चुनाव अधिकारी मतदाता की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड में पानी घुलता नहीं है और त्वचा में जुड़ा रहता है। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने होने लगते हैं और उतरने लगते हैं। बढ़िया क्वालिटी वाली चुनावी स्याही लगभग 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने से 1 सेकंड के भीतर ही अपना निशान छोड़ देता है। यही कारण है कि इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि कई लोग यह भी दावा करते हैं कि कुछ खास केमिकल का इस्तेमाल करके वो इस स्याही को मिटा सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बताते चले कि यह स्याही दक्षिण भारत में स्थित मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है। इस स्याही का इस्तेमाल कई सारे देश करते हैं। कंपनी के मुताबिक 28 देशों को इस स्याही की आपूर्ति की जाती है। इन देशों में नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, कनाडा, मलेशिया, मालदीव एवं अन्य देश शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वोटिंग के दौरान लगने वाली इस स्याही से जुड़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में इस स्याही से जुड़ा कोई और भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।